स्वागत है आप सभी का. यह है चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल. मैं हूं स्वाति रायना. एक ऐसा शो जिसमें हम निवेश की बारीकियां एकदम सिंपल अंदाज में आपको समझाते हैं. और हमारे साथ हैं एज यूजुअल अनिल सर. अनिल जी, निवेश कैसे करें, कहां नहीं करें, कहां करें, ये तो हमने अच्छे से दर्शकों को बताया है जी. लेकिन अब सबके मन में सवाल उठ रहा है कि विकल्प क्या है हमारे पास. हमने तो समझ लिया ठीक है निवेश करना है, अब मैं पूरी तरह रेडी हूँ, मैंने तैयारी कर ली, मन बना लिया, लेकिन जाना कहाँ पर है. अब इसको दो तरीके से करेंगे स्वाति. पहले कि कहाँ कहाँ पैसा लगाया जा सकता है और किसको कहाँ लगाना चाहिए, ये दूसरी स्टेज है. ठीक है ना. सबसे पहले तो ये कि कहाँ लगाया जा सकता है. ढेर सारे ऑप्शन है. लोग कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं पैसा, सोचिए. सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलर है सोना चांदी, बुलियन जिसे कहते हैं, गोल्ड सिल्वर. वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है हिंदुस्तान में. सबसे पहले लोग हीरे जवाहरात सोने चांदी में पैसा लगाते थे ट्रेडिशनली सालों से दशकों से सदियों से. और दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, लैंड, है ना. वो भी सबको पता है, चाहे वो फिर खुद के कंजम्पशन के लिए, रहने के लिए घर लेना हो. लेकिन किसी भी आदमी की ख्वाहिश पूरी तो होती नहीं एक घर से. एक लिया तो थोड़ा बड़ा लूंगा, बड़ा लिया तो और बड़ा लूंगा, और बड़ा लेने के बाद अब लगता है कि अब जरूरत से ज़्यादा बड़ा ले लिया, अब ये संभल नहीं रहा. तो एक दो इन्वेस्टमेंट और कहीं, प्लॉट्स, फ्लैट्स, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, जमीन, ये बड़ी लोगों को आकर्षक लगती है. तो वो दूसरा तरीका है जहाँ लोग पैसा लगाते हैं. और तीसरा तरीका है फिक्स इनकम में पैसा लगाना, जिसे आप एक तरह से कह सकते हो उधार देना. अच्छा. पुराने जमाने का जो सिस्टम है कि किसी को जरूरत है, ब्याज पे उधार दे दिया, लेंड करना. आजकल उसकी नई फॉर्म है कि आप बैंक को उधार दे रहे हैं, FD कर रहे हैं. बिल्कुल. फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट वो हो गया. तो इस कैटेगरी को मैं ऐसे रखूंगा कि ये फिक्स इनकम है जिसमें आप किसी को उधार भी दे सकते हैं, बैंक में FD भी करवा सकते हैं, कोई डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, ये अलग अलग तरीके जो हम आगे विस्तार से बात करें. ये हो गया फिक्स इनकम. फिर एक तरीका और है जो इक्विटी का है, शेयरों का, शेयर बाजार में इक्विटी में निवेश करके हुए. उसके बाद कुछ तरीके और हैं जिन्हें मैं एक साथ अदर्स में रख लूँ. ओके. वो मैं अदर्स आपको 4-5 चीज़ें एक साथ बताऊँगा. ठीक है. कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें अलग अलग तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. इंटरेस्टिंग नाम है. अच्छा, इसमें भी पैसे, यहाँ पर भी पैसे लगाते हैं. हाँ, अरे पूछिए मत. तो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आगे निवेश के कैसे कैसे तरीके लोग अपनाते हैं. तो सबसे पहले हम पारंपरिक निवेश से शुरू करते हैं. मतलब हमारे जो ग्रैंडफादर, दादा दादी, माता पिता अभी भी कहते रहते हैं बेटा सोना खरीद लो, सोना खरीद लो, चाहे फिर वो बैंक लॉकर में ही क्यों ना रख दे. अब आजकल के अब यंगस्टर्स हैं कि क्या अब सोना खरीदना, अब कौन पहनता है. हाँ, वो पेरेंट्स यही कहते हैं चेन से सोना है तो सोने की चेन रखो. तो मतलब बेसिकली गोल्ड दोनों काम करता है, आपको खूबसूरत भी बनाता है जब आप उसके गहने बनाकर पहनते हैं, और साथ ही आपको सिक्योरिटी भी देता है कि मुसीबत में काम आएगा. हमारे बुजुर्गों का यही मानना है कि मुसीबत में सोना ही काम आता है. क्यों? कि सोना तुरंत बिकता है. हमेशा कोई ना कोई आपको सोना खरीदने वाला आदमी मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा. थोड़ा सा भाव कम ज्यादा करेंगे तो तुरंत रातों रात सोना बिक सकता है, लिक्विड है. तो सोने में इन्वेस्टमेंट के कुछ फायदे नुकसान में फटाफट आपको बता दूं. फायदे क्या हैं? पहला कि आसानी से बिक जाता है. दूसरा, खरीदना बेचना उतना मुश्किल नहीं है, आसान है. तीसरा, सबसे बड़ी बात जो चाहे आप हकीकत माने या गलत फहमी, सबको पता है कि हमें सोने में इन्वेस्टमेंट करना आता है. करना, हाँ, सबसे सिंपल है. हाँ, क्या है? हाँ, क्योंकि हमें पता है सोना ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ये भाव चलता है. और इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ भी हो, अल्टीमेटली सोना ऊपर ही जाना है. तो सबको लगता है हम तो सोने के बारे में समझते हैं. वो गलत फहमी है. ये सही है कि ऊपर जाता है, लेकिन कब जाएगा, कितने वक्त में जाएगा,
इसका कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन फिर भी गलतफहमी है तो है। लोग मानते हैं कि भाई हमें सोने के बारे में सब जानकारी, इसलिए सोने में पैसा लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सोने के पक्ष में जाती है। प्लस एक चीज़ और है कि सोने में आमतौर पर उतनी कमाई होती है कि जो महंगाई बढ़ रही है, कि भाई पिछले साल आप 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद पाते थे, तो आज उसी चीज़ को खरीदने के 105-107 रुपये देने पड़ सकते हैं, है ना। वही महंगाई है कि एक साल में किसी चीज़ का दाम कितना बढ़ गया। तो अगर आपने पिछले साल 100 रुपये रखे और आप कहीं निवेश नहीं किया और आज 100 रुपये, तो उसकी वैल्यू तो 95-93 रुपये रह गई। अगर इसी बजाय आपने सोना लिया और सोना 5-7% बढ़ गया, तो आपको सोना कमोबेश उतना कमाई करके दे देता है ऑन एन एवरेज साल 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 दर साल, कि आपकी महंगाई जितनी बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू जितनी कम हो रही है, उतनी वैल्यू सोने की बढ़ जाती है लॉन्ग रन में। तो फिर आप एक तरह से नुकसान नहीं कर रहे हैं, महंगाई को एडजस्ट करके अगर आप पैसा देखेंगे तो नुकसान नहीं कर रहे। लेकिन सोना कितना खरीदें ये भी एक सवाल है। मतलब अब मुझे सुरक्षित अपने आप को रखना है, मेरे पास कहीं से लमसम 1-2 लाख रुपए आ गए, सोना कितना खरीदें ये तो हमेशा मेरी वाइफ ही डिसाइड करती है। घर की महिलाएं डिसाइड करती हैं, हमारे हाथ में ही क्या, हमारे हाथ में तो एक ही चीज है कितना नहीं खरीदें, कितना ब्रेक लगा सकें, है ना, कितना रोके कितना रोक सके, दाएं बाएं इधर उधर के सारे तरीके, ये मजाक की बात है। लेकिन देखिए, सोना उतना ही खरीदना चाहिए जितना वाकई में आपको बहुत ज्यादा, ये कहें कि अर्जेंसी में जरूरत पड़ जाए पैसे की, या फिर आप उसका दो तरह से फायदा उठा पाए, ज्वेलरी की ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट, उतने ही खरीदना चाहिए, ये मेरा मानना है। प्रॉब्लम क्या है सोने के साथ, जैसे आप ज्वेलरी खरीदते ना, आप 25-30% तो नुकसान में आ गए। अच्छा। हो सकता है ज्यादा भी हो। अच्छा। मैं थोड़ा कैसे बता रहा हूं, 24 कैरेट गोल्ड है, दुनिया में कोई तकनीक मेरे ख्याल से तो नहीं है जो 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बना सके, मिलावट तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कहते हैं कि मैं तो पैसे 22 कैरेट के दे रहा हूँ, 20 कैरेट के दे रहा हूँ, पर आमतौर पर सब जानते हैं जब आप ज्वेलरी बनाते हो तो जितने कैरेट के पैसे देते हो उतने की तो नहीं मिलती, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, उसके ऊपर आप जो मेकिंग चार्जेस वगैरह देते हो वो एडिशनल है, अलग अलग शोरूम ज्वेलर्स के अपने अलग अलग है। तो जैसे आपने सोना लिया, ये समझ लीजिए उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू, उसमें जो गहने की जो वैल्यू है ना, 30-40% तो आप नीचे आ ही गए। जब तक 30-40% सोना नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आपकी ज्वेलरी के दाम पार नहीं आएंगे। अगर आप ज्वेलरी बेचने जाएं, गलाने जाएं, तो आपको वो दाम मिलेंगे नहीं। गलने के बाद पता चला अंदर से माल काफ़ी कुछ ऐसा निकल गया, वो क्या क्या लगाते हैं ना आजकल वो सोने में, ऊपर नग होते हैं, अलग अलग उसमें पोल की जड़े हुए डायमंड्स होते हैं, जो वो पत्थर वत्थर जो होते हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे तो बचेगा सोना कितना, वो सोचने वाली बात है। इसलिए सोने में ये एक दिक्कत है कि आप जैसे सोना गहने के तौर पे खरीदते हैं नुकसान में आ जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, रिस्की बहुत है, लोग लूट लेते हैं, चोरी होने का डर रहता है, खोने का डर रहता है, पहनना तो घिसता भी है ना, ये भी। और कितना पहन के चलेंगे, तो ये एक रखना संभालना आसान काम नहीं है। भले आप लोकर रख ही रहे हो तो फिर फायदा क्या गहने बनाने का, लोकर में ही रखना है तो बाहर तो रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल रही है, क्योंकि देखिए आप हिंदुस्तान में एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि लोगों को ये कन्विंस कर दे कि सोना मत खरीदो, कि खरीदते आपका 30-40% नीचे आए। भले मैं कितना ही बोल दूँ, मुझे पता है उसके बाद मेरे भाषण के बावजूद मेरी वाइफ खरीदेंगी, जब मैं अपने घर में ही नहीं बदल पा रहा हूँ, दुनिया को कहाँ बदलने जाऊँगा, कोई नहीं मानेगा, है ना। तो सिंपल चीज़ जो खरीदना हो तो खरीदेंगे, लेकिन अब नए तरीके आ गए हैं उससे सोना खरीदना चाहिए। कैसे, सोना आप एक्सचेंज पे खरीद सकते हैं ETF के तौर, गोल्ड ETF। ओके। डीमेट अकाउंट में सोना आ रहा है, जब चाहिए आप वापस उसे बेच भी सकते हैं और सोना मिल जाएगा आपको, या उस दिन जो सोने के दाम चल रहे हैं वो दाम आपको मिल जाएंगे। मतलब वो बेसिकली फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ना ना आपके गहनों के शेप में नहीं है, लेकिन आपके पास आपके डीमेट अकाउंट में, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के एंगल से। लेकिन जिनको गहना पहना वो तो डीमेट अकाउंट की कॉपी डाल के तो नहीं चल सकते ना, ये देखिए मेरा गोल्ड, वो नहीं है। दूसरा, आजकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स आने लगे हैं,
जिसमें आपको सोने पे ब्याज भी मिलने लग गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, गोल्ड स्कीम्स हैं, उनमें डाल दीजिए, कमाई की कमाई हो रही है ना, और दाम बढ़ रहे हैं उसका भी फायदा मिलेगा, दोनों चीज मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपको सोने के बदले सोना मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको 100 रुपए लगा रहे हो, सोने के दाम बढ़ेंगे तो भी फायदा मिलेगा, ऊपर से ब्याज भी मिलेगा। अरे वाह। हाँ, तो गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स हैं वो अच्छी वो है। तो अब तरीके बदल गए। तो अगर आपको सोने में इन्वेस्टमेंट ही करना है, प्रॉब्लम मालूम है क्या है? क्या प्रॉब्लम है कि आज तक हिंदुस्तान में सब लोगों ने सोने में इन्वेस्टमेंट कच्चे में ही किया है, कैश वो नहीं चलता है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स लेंगे, ये सारी स्कीम्स में डालेंगे, ETF लेंगे, ये तो पेमेंट चेक से ही होने वाला है, और वही करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से करिए, सही तरीके से करिए। तो गोल्ड में आप ज़्यादा सेफ, ज़्यादा बेहतर तरीके आ गए हैं इन्वेस्टमेंट करने के। अगर आपका मन अभी भी लगता है कि गोल्ड में ही करना चाहिए, तो फिर उन तरीकों का इस्तेमाल करें, बजाय ये कि आप कॉइन्स, बार्स ये सब खरीदें, बिस्किट, कैडबरी, क्या क्या जो बोलते हैं सब, है ना, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, वो सब करने के बजाय बेहतर है आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदें, जहाँ पर आपको खोने की रिस्क नहीं है, सेफ्टी है, कोई टेंशन। ये तो गिफ्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, त्योहार का मौसम, शादियों का मौसम, 100% और ना खोने का डर, बिल्कुल। प्रॉब्लम है ना कि गिफ्ट में भी तो आपको वही ले जाना, अंगूठी लेके जानी है किसी के लिए, किसी के लिए चेन लेके जानी, लेकिन परेशानी यही ना फिर अनिल जी, अब जैसा आपने बोला कि लिक्विडिटी है, मतलब सोना कहीं ना कहीं बिक तो जाएगा अगर जरूरत पड़े, तो ETF और गोल्ड बॉन्ड के साथ और जल्दी बिकता है। अच्छा, तो खाली एक्सचेंज खुला होना चाहिए बस, सैटरडे संडे छोड़ के, जिस वक्त बेचना आप तुरंत बेच दो, तो वो बेचना और ज़्यादा आसान है, क्योंकि गोल्ड के लिए तो आप जाओगे किसी ज्वेलर्स के पास, जाओगे उसको बोलोगे मुझे ये ऑर्नामेंट बेचने, ये गहने बेचने, वो बोले मैं चेक करूँगा कितने कैरेट के हैं, मिलावट तो नहीं, ये तो नहीं है, 3 दिन बाद देखूँगा करूँगा, यहाँ तो ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं, तुरंत एक्सचेंज पे बेचिए, ख़त्म, बात नेक्स्ट डे आपके या जो भी पेन पे आउट का सिस्टम है, पैसे आ जाएंगे। बेहतरीन तरीका, और जो जितनी भी हाउसवाइव्स हैं या घर की महिलाएं हैं, उनके लिए ये बेहतरीन टिप आपने दी है, फिजिकल सोने के साथ मानेंगी थोड़ी उम्मीद करते हैं ना, इसलिए तो हम इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में यहाँ पर है, लोगों को समझाने के लिए कि पैसे से कैसे पैसा बने और क्या इंटेलिजेंट तरीके ने, क्योंकि हम आपको है ना, अगर सोने में ही लगाना तो ये बेहतर तरीका है, और सोने के बाहर भी आप पैसा लगाने के लिए अपना मन खुला रखें तो और बेहतर तरीके बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास। ये है चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, और निवेश की तमाम बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अब दूसरा एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का तरीका वो है अपना एक घर होना चाहिए। अब एक घर खरीद लिया जिसमें खुद रहते हैं, लेकिन उससे तो बात बनी नहीं, अब एक और घर, चले कोई नहीं किराए पर दे देंगे, या फिर उससे भी मन नहीं भरा, बच्चों के लिए तो एक घर होना चाहिए। ये ट्रेडिशनली हमारे परिवार में, भारतीय परिवारों में, सब आप ही कर लो बच्चों के लिए, फिर बच्चों को कुछ करने की जरूरत क्या है, फिर तो वो नालायक ही निकलेंगे जब सब वाले सब पिताजी छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर हमें करने की क्या जरूरत है। बच्चों को तो के लिए उतना ही करना चाहिए जितना वाकई में कि उन्हें मुसीबत हो तो मतलब उतनी तकलीफ ना आए, सेफ रहें, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब भी छोड़ेंगे ना तो बात बिगड़ने वाली है। एनीवे, जहां तक प्रॉपर्टी की बात है, रियल एस्टेट की बात है, फॉर्मूला यहां भी वही लगता है स्वाति जो गोल्ड सिल्वर में लगता है। और फॉर्मूला क्या है, उतना ही खरीदिए सोना जितना आपको पहनना हो, लोगों को दिखाना हो, फ्लॉन्ट करना हो, ठीक है, प्रॉपर्टी उतनी ही खरीदिए जितनी आपको इस्तेमाल करनी हो, रहनी हो, यूज करनी हो, सिंपल फॉर्मूला है। आपके रहने के लिए आपका घर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, दो वजह से, एक आपको स्टेबिलिटी देती है, मानसिक शांति देती है, घर पे अपनी, हाँ मेरा घर, मेरा घर ही छत है अपनी, हाँ, हालांकि इकोनॉमिस्ट ज्यादातर यही बोलते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं वो घर बनाते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वो किराए पे रहते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ऐसे कैसे? अरे भाई पूछो मत, फर्ज कीजिए आप ही के एग्जाम्पल से चुनू, आपका घर है, समझो अगर आप उसी घर में किराए पर रह रही हैं, अगर या आपको किराए पर देना पड़ेगा, कितना किराया आएगा महीने का अंदाज से? अच्छी जगह पे रहे तो 35-40 हज़ार से, 40 हज़ार मान लिया, उस घर की वैल्यू क्या होगी?
जो 40,000 किराया आपको महीने का दे रहा है, करोड़ों में कितनी, फिर भी 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख जो भी, तो ताकि मैं बताऊं आपको कैलकुलेशन करके तुरंत सीए वाली कि क्यों घर बेवकूफ लोग बनाते हैं, समझदार लोग क्यों किराए पर रहते हैं। आजकल के टाइम वैल्यू में तो दो करोड़ का घर है, 40,000 रुपए महीने का किराया है, साल का किराया हो गया 5 लाख रुपए, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल। अब 5 लाख का घर है, आपने समझे 2 करोड़ में खरीदा, किराए पे दिया है, ठीक है, कितना किराया है आपका? किराया तो मतलब जो हमें किराया आएगा, किराया तो 5 लाख आया, परसेंट कितना हुआ? 2 करोड़ का 10% होता है 20 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए मतलब कितना हुआ? 2.5%, ठीक है। अरे भाई 8% में तो FD हो रही है। अच्छा वो 2.5% भी पूरे के पूरे नहीं, उसमें आपको सोसाइटी चार्जेस भी देने हैं, जब किराएदार बदलेगा तो वो दीवारें व्यार खराब भी करके जाएगा, उसको फिर ठीक कराना, रेनोवेशन कराना, मेंटेनेंस भी देते हैं, तो अल्टीमेटली 2-2.5 लाख रुपए भी आपके बच जाए ना तो मुश्किल है। तो किराए का आपके 1.5-2% आता है खाली, मुश्किल से हाथ में। अरे यहाँ FD आपको 8% दे रहा है, तो आप 2% के पीछे क्यों पड़े हो? कौन सा ज्यादा नो ब्रेनर, कौन सा सही है? बिल्कुल किराए पर है ना, किराए पर है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब लोग बेवकूफ हैं, अगर आज हिंदुस्तान में अब तक सब लोग खरीद रहे हैं तो कुछ तो सोच के खरीद रहे होंगे। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इनकम भले ही ज्यादा ना हो, रेंटल्स कम हो, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन आता है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के दाम भी तो बढ़ते हैं। 2 करोड़ का फ्लैट 2 ही करोड़ का थोड़ी रहेगा, बढ़ेगा और 3-4-5 करोड़ का भी होगा, तो वहां कॉम्पनसेट हो जाता है। लेकिन अब चीजें बदल रही स्वाति, ये होता था एक जमाने में, हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी के दाम अनाप शनाप बढ़ते थे, तब प्रॉपर्टी में बड़ी ब्लैक मनी भी जाती थी, तो वैसे भी डिमांड बड़ी होती थी। अब तो जो डिमांड है वो खाली रहने वालों की है, इन्वेस्टमेंट डिमांड खत्म हो गई, और कोई भी एसेट हो, कोई भी एसेट क्लास जाए, इन्वेस्टमेंट डिमांड खत्म हो जाती, वहां भाव बढ़ना बंद हो जाते हैं, वहां पे पैसा बनना मुश्किल हो जाता है, यही प्रॉपर्टी में हो रहा है। अब अगर आपको लगता है कि 3 साल आगे, 1 साल आगे, 5 साल आगे मेरे इस फ्लैट के दाम यही रहने वाले हैं या इससे भी कम होने वाले हैं, तो आप सोचिए ना, साल का 6-7% तो आप वैसे ब्याज भी नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तो भाव नहीं बढ़ रहे, आपने जो पैसा लगाया उसकी वैल्यू कम हो रही है, ऊपर से ब्याज नहीं आ रहा। इसलिए अगर आपको लगता है कि अगले 2-3-4 साल में प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़ने वाले हैं, तो फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना तो बेवकूफ़ी है ना। फिर भी चलिए मान लिया, कोई बात नहीं, आप एक घर अपने लिए बना लीजिए, कर लीजिए, उसमें देखना भी नहीं भाव कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, चलिए तो हमें हमारे घर के लीजिए। लेकिन जब आप एडिशनल कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या तो आपका हॉलीडे होम होना चाहिए, वो भी तो ड्रीम जगह पे होना चाहिए ना, कोई हिल स्टेशन हो गया, जिसे आप एंजॉय करेंगे, आप अपने पैसे एंजॉय कर रहे हैं, तब तो बहुत बात ही अलग है। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट के एंगल से आप सोच रहे हैं ना, तो ये आइडिया ठीक नहीं है एडिशनल प्रॉपर्टी खरीदना। वो खरीदना कब ठीक है? जब बड़ी तेजी हो, आज खरीदने वो होता है ना, तेजी के टाइम पे कैसा होता है, बिल्डर के पास आप जाते थे, फ्लैट बुक करना है जी, अच्छा आज का भाव है 11,000, मैं आता हूँ देखता हूँ, घर पे बात करूंगा, अगले हफ्ते के आज 11,200 है, अगले हफ्ते 11,500, ऐसे भाव बढ़ते थे, 2 हफ्ते लेट जाओ तो 500 रुपये भाव ऊपर मिलेंगे। वो जमाने गए, वो अब नहीं आने वाले हिंदुस्तान में। हम सोचते हैं कि प्रॉपर्टियाँ डबल हो जाए, ही हो जाए, जो डेवलप कंट्रीज है अमेरिका वगैरह के जैसे, वहाँ तो अगर साल में किसी साल में प्रॉपर्टी के दाम 8-10% बढ़ जाए तो वो पागल हो जाते हैं, अरे बाप रे इतने भाव, कोई प्रॉपर्टी के बढ़ते गए साल में 8-10%, ऐसा हाल है ना। तो इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, पहली चीज़ तो ये रिटर्न के लिहाज से समझदारी का काम नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लिक्विड नहीं है। बिल्कुल, जब कोई सामने से खरीदने आए ना तो ही भाव मिलता है। हाँ। आप बेचने जाओगे ना तो बहुत नसीब वाले आदमी हो तब तो फिर अलग बात है, अदरवाइज जब आप बेचने जाओगे तो वो पैसे नहीं आएंगे जो आप चाहते हैं। तो ये भी समझदारी है कि मेरा अपना घर है, मैंने उसको भी किराए पर दे दिया और मैं दूसरी जगह किराए पे, मैं भी किराए पे रह रही हूँ, उससे क्या फायदा होगा? उससे नहीं, ना ना उससे क्या फायदा, मतलब भाई आपके घर पे भी तो किराया उतना ही आएगा। नहीं नहीं, अगर आपका घर खुद का है तो खुद का किराए पे देके दूसरे के किराए पे मत रहिए। नहीं नहीं, वैसा नहीं, अनलेस कि आपका विचार है कि उसके जाके बहुत नुकसान करूँ, खराब कर दूँ, वैसा नहीं। आपका घर है तो आपको रहने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉपर्टी में एक और बड़ी समस्या है कागजी कार्रवाई की, टाइटल की। अब तो फिर भी ठीक है, माहौल ठीक है, पहले
पता ही नहीं चलता था टाइटल क्लियर है कि नहीं, आप जो खरीद रहे हैं सही खरीद रहे हैं गलत कर रहे हैं। एक ज़माना था, अब तो रेरा वगैरह आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक फ्लैट को बिल्डर 4-5 बार बेच डालते थे, बहुत दिक्कत होती थी। प्लस कॉस्ट कितनी ज़्यादा खरीदने बेची, 5-5, 6-6% स्टैम्प ड्यूटी लगती। सर एक एक साल में एक बार खरीदा बेचा तो 10-12% तो ऐसे चलेगा, कमाओगे क्या आप? सेम वैसे ही गोल्ड वाला हाल है कि 15% दाम बढ़े जब तक तो आपने कुछ कमाया ही नहीं। एक एक परसेंट पता चला आपका ब्रोकर ले गया, ब्रोकरेज खरीदने बेचने, तो क्या कमाओगे आप? कुछ नहीं। इसलिए रियल इस्टेट में 2-3 दिक्कतें हैं बड़ी। पहला, लिक्विडिटी की बड़ी समस्या है, जब चाहो आसानी से बिकता नहीं, बल्कि इतना बड़ा है। दूसरा, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। तीसरा, लीगल इश्यूज बहुत है हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा कोर्ट केस अगर चल रहे हैं वो तो सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर, 80% कोर्ट केस प्रॉपर्टी की वजह से, 80%। तो फिर आप समझ लो कि फिर क्यों पैसा उसमें जरूरत से ज़्यादा लगाना है। तो इसलिए प्रॉपर्टी में निवेश करना बहुत समझदारी वाली बात है। और बहुत एक चीज़ और बता दूँ साथी, ये एपिसोड सुन के बहुत सारे लोग बोले, अरे भाई हमारे पिताजी ने तो ये 500 रुपये में जो प्लॉट खरीदा था अब 12 लाख में बेचा है। हाँ, ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। एक चीज होती है जिसको कहते हैं IRR, यानी कि आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपने 40 साल पहले 500 रुपये में जो खरीदा है प्लॉट, आज अब आप 10-12 लाख में बेच रहे हो, नेट पे जाइए आपको कैलकुलेटर मिलता है कि साल दर साल आपको उस पर कितना रिटर्न मिला कंपाउंडेड बेसिस पर, पता चला आप दंग रह जाएंगे, इक्विटी से बहुत कम रिटर्न है उसमें। अच्छा, उसी वक्त अगर 500 रुपये आप इक्विटी में डाले होते तो इससे कहीं ज़्यादा बन गए होते। मुश्किल से 10-12% से ज़्यादा, 10% भी आ जाए तो बड़ी बात है प्रॉपर्टी में। तो देखने में बड़ा लगता है क्योंकि हमने कभी इतने पैसे एक साथ बनाए नहीं, कभी दूसरी जगह ट्राई नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, तब भी आप देखेंगे ना उसी समय उसी वक्त जब आप प्लॉट खरीद रहे हैं या जो आपने जमीन खरीदी या घर खरीदा, वो अगर इक्विटी में उतना पैसा लगाया होता तो इक्विटी में कहीं और ज्यादा बना होता। और ये मैं एग्जांपल से प्रूव कर सकता हूँ पक्के तौर पे, गारंटी से। कई लोग जमीन खरीद के भी रख लेते हैं कि जमीन खरीद लिया, अब आगे देखेंगे उस पे, वो कितनी समझदारी है? अल्टीमेटली समझदारी किस चीज की है? जिसमें ज्यादा पैसा बने। अच्छा, जो लिक्विड हो, जिसपे कोई टाइटल का इश्यू नहीं हो। पता चला आप बड़ी समझदारी में आपने जमीन खरीद कर चले गए कहीं लंदन या मुंबई आके दिल्ली आके बैठ गए गांव में खरीदी, 2-4-5 साल पहले गए तो पता चला कि वो तो किसी और की हो चुकी है। वो इससे फिल्म याद आ गई। हाँ नहीं, उसमें हाँ, एक जोक था कि हरियाणा में कोई एक आदमी ने प्लॉट खरीदा और 2 साल बाद गया, वहाँ कोठी बनी हुई थी। बोला ताऊ ये तो तुमने कोठी बना ली, ये तो मेरी जमीन है। बोला आ गई होगी मेरी कोठी के नीचे, निकाल ले। वैसा हाल है। तो प्रॉपर्टी में तो ये दिक्कत है कि टाइटल, कब्जा, ये वो 50 चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप बेहतर है कि सही इन्वेस्टमेंट करें, लिक्विड इन्वेस्टमेंट करें। तो सोने में उतना ही निवेश करें जितनी ज़रूरत हो, उसके और भी कई तरीके हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, प्रॉपर्टी में भी उतना करें। अब सवाल यही है निवेशकों के मन में कि समझदारी कहाँ है, कहाँ पर निवेश करने में। अब मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं इन्वेस्टमेंट करने के, और एक तो पॉपुलर रही है जो लोग करते हैं FD वाला, और उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज वो अगले एपिसोड में। बिल्कुल, तो अगले एपिसोड में निवेश के और दिलचस्प तरीकों के साथ हम फिर से लौटेंगे अनिल जी के साथ। इसलिए एक बार फिर से हमारे साथ शामिल होइएगा चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।